महातेजस्वी जी के जीवन की पहली धारणा कि वो मुरली के प्रति बहुत मस्तानी गोपिका थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती थी, समाती थी, फिर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके सुनाती थी। ऐसे हमें भी जब साकार मुरली या अव्यक्त मुरली सुननी है तो एकाग्रचित हो शक्तिशाली स्थिति में सुनेंगे। ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमें बहुत ध्यान से मुरली सुननी है और सुनते समय मुरली का आनंद लेना है। हम सबका यादगार है कल्प पहले का कि गोपियाँ जब मुरली सुनती थी तो सुधबुद खो देती थी, तो हमें देह की सुधबुद को भूल जाना है और अनुभव करना है जो कुछ बाबा ने कहा वो मेरे लिए कहा। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली चलाते थे तो मम्मा एकाग्र होकर एक टक होकर सुनती रहती थी और हमेशा सुनते समय उन्होंने अपनी एकाग्रता पर बहुत अटेंशन दिया। हमें भी मीठी माँ जैसी एकाग्रता को बनाते हुए बाबा की एक एक बात का पूरा आनंद लेना है, ये अनुभव करना है बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा।